नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस चैप्टर का, एंड उसके साथ ही हम एडवांस रूलिंग चैप्टर एंड मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर का भी यहाँ पे रिवीजन करेंगे इसी लेक्चर में। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनका एक ही लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस से। तो ये जो चैप्टर बताता है, ये बताता है कि कल को अगर किसी व्यक्ति की लायबिलिटी बनती है जीएसटी की, तो उससे डिपार्टमेंट वसूल करने जाएगा, तो किससे वसूल करने जाएगा, किससे वसूला जाएगा। तो ऐसे केस में चलिए बात करते हैं पहले केस की। पहला केस बोलता है कि अगर बिजनेस ट्रांसफर हो गया, अगर बिजनेस कोई बिजनेस हो रहा था, उस बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया गया। मान लीजिए ए लिमिटेड कोई बिजनेस कर रही थी, बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे केस में ट्रांसफर भले सेल किया हो, गिफ्ट किया हो, लीज किया हो, लाइसेंस किया हो, हायर किया हो, किसी भी तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जो ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस में अगर उस बिजनेस से रिलेटेड कोई लायबिलिटी है, उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई जीएसटी की लायबिलिटी है, तो वो कौन पे करेगा। तो लेट्स से अगर बात करते हैं हम, मान लीजिए 1/9/2022 को ट्रांसफर किया गया, तो 1/9/2022 ट्रांसफर करने से पहले की जो लायबिलिटी है, उसे पे करने के लिए लायबल होगा ट्रांसफर करने वाला, और ट्रांसफर जिसको किया गया है दोनों लायबल होंगे, मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों लायबल होंगे। पर अगर लायबिलिटी रिलेटेड है 1/9/2022 के बाद जब बिजनेस ट्रांसफर किया गया, तो उसके लिए लायबल होगा ओनली ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर किया गया है। तो पहले के लिए वो ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, एंड बाद के लिए ओनली ट्रांसफरी विल बी लायबल, जो भी जीएसटी के रिलेटेड लायबिलिटी है अगर बिजनेस ट्रांसफर हुआ है। अगर प्रिंसिपल एजेंट की ट्रांजैक्शन है, इन मींस एजेंट क्या होता है, एजेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेज करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल करता है, तो अगर एजेंट ने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी है, तो उसके लिए एजेंट तो लायबल है ही है, उसके साथ प्रिंसिपल भी लायबल होगा। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द लायबिलिटी। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, तो ध्यान रखना जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, तो उसके लिए क्या अपॉइंट किया जाता है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, जो उस कंपनी को लिक्विडेट करता है। कौन कोर्ट अपॉइंट करता है, तो जैसे लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, तो उस लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर उसे कमिश्नर को बताना है, कमिश्नर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को बताना है कि बॉस मुझे इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, इस कंपनी के रिलेटेड आपकी कोई भी लायबिलिटी है तो आप मुझे बता दो, मैं उसका अरेंजमेंट करवा दूंगा। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में बताएगा कमिश्नर को 30 दिन के अंदर। अब उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, अपने जूनियर्स को बोलेगा कि देखो भाई इस कंपनी का पता लगाओ, कितना पैसा लेना है अपन ने इस कंपनी से जीएसटी के बिहाफ पे। तो अब पता लगाया जाएगा, और 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर को सारा हिसाब किताब लगा के इसे बताना है लिक्विडेटर को कि कितना टैक्स बनता है इस कंपनी से। जब उसे लिक्विडेटर ने बताया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट बता देगा जितना रिकवरेबल है फ्रॉम दिस कंपनी। उसके बाद लिक्विडेटर उस अमाउंट का अरेंजमेंट करेगा, जब सेल वगैरह होगी एसेट की, तो उससे अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। अब मान लो किसी प्राइवेट कंपनी से पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, अगर प्राइवेट कंपनी से पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो प्राइवेट कंपनी तो लायबल है ही है टैक्स पे करने के लिए, बट डायरेक्टर भी लायबल हैं, उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए अगर किसी कंपनी ने कुछ गलत काम किया है, तो कंपनी ने डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन उसके डायरेक्टर्स ने लिया है। तो अगर प्राइवेट कंपनी से पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर भी होगा, और डायरेक्टर से पैसा रिकवर किया जाएगा। अब मान लीजिए वो डायरेक्टर, मतलब जिस पीरियड से रिलेटेड वो ड्यूज है ना, ध्यान रखना जिस पीरियड से रिलेटेड वो टैक्स बनता है ना, उस पीरियड में जो भी डायरेक्टर था उससे रिकवर किया जा सकता है। बट 2 केसेस हैं जहां पे डायरेक्टर से रिकवर नहीं किया जाएगा। पहली बात तो डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि जो ये आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो इस कंपनी से, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब उसने कोई मालफिजेंस नहीं किया है, उसका कोई ग्रोस नेग्लिजेंस नहीं है, उसका कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है। अगर ये सब चीजें होती तो हम डायरेक्टर से रिकवर कर सकते थे, बट अगर वो प्रूव कर देता है कि ये सब चीजें नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे केस में उससे रिकवर नहीं किया जा सकता। एक बार प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर से कोई भी पैसा वसूल नहीं किया जा सकता कंपनी की लायबिलिटी के लिए। हाँ, अगर कंपनी की लायबिलिटी उस डायरेक्टर के ऊपर ही कोई टैक्स पेनल्टी बनती है, तो वो डायरेक्टर से रिकवर की जाएगी, बट कंपनी की टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डायरेक्टर से रिकवर नहीं की जाएगी एक बार प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, तो अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म की कोई जीएसटी की लायबिलिटी होती है, तो पार्टनरशिप फॉर्म तो लायबल होती होती है, उसके साथ जो उसके पार्टनर होते हैं वो भी क्या होते हैं, लायबल होते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं, जॉइंटली सेवरली लायबल होते हैं। अब अगर कोई मान लो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उस फर्म को, अगर कोई पार्टनर उस फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो क्या करेगा, छोड़ के जाते टाइम 30 दिन के अंदर अंदर जब वो छोड़ के जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर, 30 दिन नहीं, यहां पे 1 महीना याद रखना, लिक्विडेटर में 30 डेज है, यहां पे 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर वो इंटीमेट करेगा किसको, कमिश्नर को, कि वो छोड़ के जा रहा है। तो अगर उसने इंटीमेट कर दिया, तो जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है उस दिन से वो लायबिलिटी से मुक्त हो गया। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए वो 1 अगस्त को छोड़ के जा रहा है,
और अगर उसने 30 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट कर दिया तो ऐसे केस में 1 अगस्त के बाद का जो भी लायबिलिटी होगा उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, 1 अगस्त के लिए वो लायबल होगा, 1 अगस्त तक के लिए लायबल होगा। अब मान लीजिए वो 30 दिन के अंदर कमिश्नर को इंटीमेट नहीं करता है तो ऐसे केस में मान लो उसने इंटीमेट किया 5 सितंबर को, तो ऐसे केस में 5 सितंबर तक के लिए कोई भी लायबिलिटी है उसके लिए वो क्या होगा, लायबल होगा। भले उसने 1 अगस्त को छोड़ दिया पर उसने इंटीमेट नहीं किया कमिश्नर को, तो ऐसे केस में जब वो इंटीमेट करेगा तब तक के लिए वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अदर प्रोविजंस की बात करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अब डेथ हो गई तो हो सकता है उसका बिजनेस चले आगे या ना चले, जीएसटी को उससे फर्क नहीं पड़ता। डेथ होने तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसकी कितनी लायबिलिटी है जीएसटी की, वो तो गवर्नमेंट वसूल करेगी, गवर्नमेंट जीएसटी का एक भी पैसा नहीं छोड़ेगी भले ही बंदा मर जाए। अब बंदा मर गया, मरने के बाद अगर मान लो उसका बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अदर पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, अब जो भी व्यक्ति उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा उस बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी पुरानी लायबिलिटी है वो पे करनी पड़ेगी, शैल बी लायबल। और अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, बिजनेस बंद कर दिया, तो ऐसे केस में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो उस कंपनी की, उस बिजनेस की स्टेट प्रॉपर्टी को बेच के क्या करेगा, ड्यूज पे करेगा जीएसटी के। अब मान लीजिए कोई एचयूएफ है, कोई एचयूएफ है या फिर कोई फर्म है, ये टूट जाती है, बिखर जाती है, फर्म के सारे पार्टनर उस फर्म को छोड़ के चले गए, मतलब फर्म रही नहीं, एचयूएफ के सारे मेंबर छोड़ के चले गए तो मतलब एचयूएफ रही नहीं, तो ऐसे केस में जब तक वो एचयूएफ वगैरह डिसोल्यूट नहीं हो जाती, पार्टीशन नहीं हो जाता, तब तक की जितनी भी लायबिलिटी थी उसके लिए सारे मेंबर जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे, उसके पार्टनर मेंबर सब जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कोई बिजनेस किया जा रहा हो फर्म के द्वारा, एओपी के द्वारा, एचयूएफ के द्वारा, तो अगर वो बिजनेस बंद कर दिया जाता है, हमने प्रोपराइटर की बात तो ऊपर कर ली यहां पे, अब अगर इनके अलावा कोई बिजनेस चल रहा है मान लो फर्म एओपी एचयूएफ का, तो जब अगर बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस बंद होने तक की जो लायबिलिटी है वो कौन पे करेगा, एवरी मेंबर एवरी पार्टनर ऑफ दैट एचयूएफ एओपी और फर्म लायबल है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए। अगर वो बिजनेस, बंद नहीं हुआ पर क्या हुआ कि जैसे चार पार्टनर थे, अब चार पार्टनर्स में से एक छोड़ के चला गया, एक आ गया, इसे बोलते हैं चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और एओपी, तो मतलब जो उसके लोग थे वो चेंज हो गए, तो ऐसे केस में जो लोग पहले थे और जो नया आया सब लोग जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो चार पार्टनर थे ऑलरेडी जिसमें से एक छोड़ के चला गया वो भी इंक्लूडिंग, और जो नया आया वो भी, सब मिलकर क्या होंगे, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे लायबिलिटी के लिए। उसके बाद अमालगमेशन और मर्जर की बात आती है। लेट्स से ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां मिलके क्या बन रही हैं, एबी लिमिटेड। अब दोनों के मर्जर और अमालगमेशन का जो ऑर्डर पास किया गया वो कब किया गया, 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को ऑर्डर पास किया गया, और इस ऑर्डर में लिखा गया कि ये दोनों कंपनी मर्ज होने वाली हैं 1/4/2022 से, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो जीएसटी को उससे फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी बोलता है कि जिस दिन ऑर्डर पास किया गया हम उस दिन मानेंगे कि ये दो कंपनी मर्ज हो गई। अब भले ऑर्डर में लिखा है कि वो 1/4/2022 से मर्ज हो रही हैं, पर जीएसटी मानेगा कि वो जो मर्ज हुई है वो 1 सितंबर 2022 से हुई है, तो इसका मतलब जीएसटी के प्रस्पेक्टिव से 1 सितंबर 2022 से पहले ये दोनों कंपनी क्या थी, अलग अलग थी, और अगर इन दोनों कंपनी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा, और सप्लाई कहलाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी भी आएगी। अब देखो अगर मैं ये मान लेता कि 1/4/22 से लिंक हो गए तो इस पीरियड के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो क्या हो जाता, एक ही तो कंपनी है, दोनों ट्रांजेक्शन की तो बात ही नहीं आती, ठीक है, बट यहां नहीं माना जाएगा। अगर इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर है और टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ मर्जर के पीरियड में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है दोनों कंपनी के बीच में जो मर्ज हो रही है तो उसे भी ट्रांजेक्शन मान के सप्लाई माना जाएगा, यही बात यहां पर मर्जर के केस में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए उसके बाद नए चैप्टर पे चलते हैं, एडवांस रूलिंग, देखो एडवांस रूलिंग क्या बोलता है, कि एडवांस रूलिंग लेने के लिए, एडवांस रूलिंग सबसे पहले बात करते क्या होता है। जब मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, या तो उसने ट्रांजेक्शन कर ली है या फिर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, दोनों में से चीजें हो सकती हैं, अभी तक ट्रांजेक्शन की नहीं है या फिर ट्रांजेक्शन करी भी हो सकती है, अब वो जानना चाहता है कि अगर मैं ये ट्रांजेक्शन करता हूं तो इसके ऊपर जीएसटी का क्या इंपैक्ट आएगा, कि भाई ये ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है, ये ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस ट्रांजेक्शन का वैल्यू क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, तो ये सारी बातें उसके दिमाग में आ सकती हैं।
रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना, तो इन क्वेश्चंस का जवाब कहां से मिलेगा उसे? तो उसके लिए सरकार ने ना एक मैकेनिज्म बना दिया, सरकार ने एक अथॉरिटी बना दी, एक बना दिया जहां पे बड़े ऑफिसर बैठते हैं, जहां पे बड़े ऑफिसर बैठते हैं जो डिसाइड करेंगे जब इनको अप्लाई किया जाएगा किसी के द्वारा कि सर मेरा ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दो, तो ये लोग क्या करेंगे ध्यान में रखते हुए उस बात को क्या करेंगे उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे, उन्हें बोलते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और जो वो आंसर देते हैं उनके क्वेश्चन का उसे बोलते हैं एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी टू एन एप्लीकेंट ऑन क्वेश्चन रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी उसने क्वेश्चन पूछे उसके ऊपर जो आंसर दे रहे हैं, ट्रांजेक्शन अंडरटेकन या तो हो गई या फिर होने वाली है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके ऊपर अगर कोई भी डिसीजन दिया जाए उसे बोलते हैं एडवांस रूलिंग। और ध्यान रखना एडवांस रूलिंग लेने के लिए आपका रजिस्टर होना या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, आप बिना रजिस्टर हुए भी क्या कर सकते हो एडवांस रूलिंग ले सकते हो, उसमें कोई दोराई नहीं है। हम देखो एडवांस रूलिंग किन किन बातों पे ली जा सकती है, किन किन क्वेश्चंस के जवाब मांगे जा सकते हैं एडवांस रूलिंग के थ्रू। तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि आप क्या वो ट्रांजेक्शन सप्लाई होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो सप्लाई होगी कि नहीं होगी जीएसटी के अकॉर्डिंग। अगर होगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सर्विस हो गई, या फिर गुड्स जो सप्लाई होगी उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या उस पर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप मांग सकते हो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से। बट कुछ क्वेश्चन है जहां पे आप उसका जवाब नहीं मांग सकते अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से। ऐसे कौन से क्वेश्चन है? पहली बात प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आप जवाब नहीं मांग सकते अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से। दूसरी बात अगर कोई क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है प्रोसीडिंग में, कोर्ट के सामने अगर कोई केस पेंडिंग है या फिर कोर्ट ने उसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन दे दिया, तो भैया एक बार जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया या कोर्ट डिसीजन देने वाला है तो फिर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बीच में क्या करेगा? तो ऐसे केस में अगर कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या डिसाइड हो चुका तो उसके ऊपर आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। उसके बाद एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कैसे बनता है? जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता है ये स्टेट होता है, स्टेट का अथॉरिटी होता है, मतलब स्टेट वाइज बनती है, हर स्टेट की अलग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जॉइंट कमिश्नर से अबव रैंक के अधिकारी काम करते हैं, जॉइंट कमिश्नर या फिर उससे अबव रैंक के अधिकारी काम करते हैं। अब एक और बात, यहां पे जो ये रूलिंग प्रोनाउंस की जाएगी, रूलिंग जो इशू की जाएगी वो सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगी जिस बंदे ने उस रूलिंग के लिए अप्लाई किया था। ऐसा नहीं है कि रूलिंग इशू कर दी तो वो बाकी सब पे भी अप्लाई हो गई, नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने कोई किसी ट्रांजेक्शन पे रूलिंग ली है, अगर मैंने किसी ट्रांजेक्शन पे अगर रूलिंग ली है तो वो मेरे पे ही अप्लाई होगी। अगर मेरे दोस्त ने भी सेम ट्रांजेक्शन किया और वो चाहता है कि ये वाली रूलिंग को यूज कर लिया जाए तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रूलिंग सिर्फ मेरे पे एप्लीकेबल है और मेरे रिलेटेड जो अधिकारी है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, बाकी किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद रूलिंग हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगी, रूलिंग बार बार लेने की जरूरत नहीं है, हर साल लेने की जरूरत नहीं है। रूलिंग एक बार इशू हो गई तो वो हमेशा के लिए है, जब तक लॉ चेंज नहीं हो जाता, लॉ के जो आपके ट्रांजेक्शन के फैक्ट चेंज नहीं हो जाते या सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो जाते जिसके ऊपर रूलिंग दी गई है, अगर ये सब चीजें चेंज नहीं होती तो आपकी रूलिंग हमेशा के लिए जिंदा है। उसके बाद रूलिंग मिलेगी कैसे सर? तो आप अप्लाई करेंगे एडवांस रूलिंग के लिए किसको? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन लगाएंगे 5,000 रुपए फीस के साथ। अब उसमें क्या होगा, अपीलेंट जो अथॉरिटी होगी वो ऑफिसर जीएसटी के ऑफिसर्स को बोलेगी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दो, फिर तुम दोनों की बातें सुनी जाएंगी, बातें सुनने के बाद रूलिंग प्रोनाउंस कर दी जाएगी 90 डेज में। अब रूलिंग प्रोनाउंस करनी है कि नहीं करनी है उसका भी डिसीजन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग करेगा। अगर वो आपकी रूलिंग एडमिट करता है तो आपको 90 डेज में रूलिंग प्रोनाउंस कर देगा, आपको डिसीजन दे देगा, और अगर वो रिजेक्ट करता है, आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे केस में वो रूलिंग नहीं देगा। पर अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसका रीजन देगा कि वो आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है। तो अगर जवाब देगा तो 90 डेज में देगा और दोनों पार्टीज को सुनेगा। अब मान लीजिए जो लोग आपकी बातें सुन रहे थे उसके बेसिस पे डिसीजन देने वाले थे, जो जजेस थे, जो मेंबर थे अथॉरिटी के, अगर उन दोनों में आपस में सहमति नहीं है, मान लो दो लोग सुन रहे थे, दोनों में आपस में सहमति नहीं है, उसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक तो बोल रहा सप्लाई हो जाएगा, एक बोल रहा सप्लाई नहीं होगा, एक बोल रहा भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, एक बोल रहा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, तो इसका मतलब दोनों में आपस में ही सहमति नहीं है, तो वो अथॉरिटी एडवांस रूलिंग क्या देंगे? तो जब दोनों में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो मैटर जाएगा किसके पास? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, उससे ऊपर वाली अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी। अब अगर अपीलेट अथॉरिटी के भी दोनों जज आपस में कॉमन कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब वो दोनों आपस में सहमति नहीं बना पाए, तो वो एडवांस रूलिंग क्या देंगे, डिसीजन क्या देंगे? तो ऐसे केस में रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जाएगी।
बट हाँ, अगर दोनों सहमति पे पहुंच जाते हैं तो ऐसे केस में रूलिंग प्रनाउंस कर दी जाएगी और जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दे दिया जाएगा। अब अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है, मान लीजिए आप नीचे वाली जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उसकी प्रनाउंसमेंट से खुश नहीं है, उसने जो डिसीजन दिया उससे खुश नहीं है, तो आप 30 डेज के अंदर जा सकते हो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास, वो 30 डेज और दे सकता है, इसमें फीस लगेगी 10,000 रुपए, ठीक है, और ऑर्डर पास कर दिया जाएगा 90 डेज के अंदर अंदर। ध्यान रखना है यहां पे भी अगर दोनों जजेस के बीच में सहमति नहीं है तो रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जाएगी। अब मान लीजिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने प्रोनाउंस कर दिया, रूलिंग बता दिया, डिसीजन दे दिया, और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने भी डिसीजन दे दिया, तो ऐसे केस में अगर उनके ऑर्डर में कोई मिस्टेक है तो वो अपने 6 महीने के अंदर उस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने रूलिंग फ्रॉड करके लिया है, अगर आपने रूलिंग जब लेते टाइम जो फैक्ट्स वगैरह बताए थे वो गलत बताए थे, मिस रिप्रेजेंटेशन किया था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया था, या आपने फ्रॉड किया है, तो ऐसे केस में वो रूलिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, वो रूलिंग वॉइड अब इनिशियो मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी, वो रूलिंग कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये होता है एडवांस रूलिंग कंप्लीट। अब हम चलते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस पे, मिसलेनियस प्रोविजन पे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे देखो अब जैसे जोमेटो स्विगी पे आपकी कंप्लायंस रेटिंग आती है ना, जोमेटो स्विगी पे आपकी रेटिंग आती है, आप कितने अच्छे कस्टमर हो, कितना अच्छा डिलीवरी बॉय है, ये सब रेटिंग आती है। तो ऐसे ही जीएसटी पोर्टल पे हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या किया गया है, कंप्लायंस रेटिंग इशू की जाती है। वहां पे बताया जाता है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा कंप्लायंस करता है, उसको 1 से लेकर 10 तक के लिए क्या दी जाती है, कंप्लायंस रेटिंग दी जाती है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। अब 150 एंड 159 ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराओगे वो क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो बाहर नहीं निकाला जाएगा। दूसरी बात, कमिश्नर को पावर दे दिया गया कि आप किसी व्यक्ति को बेइज्जत कर सकते हो। कहने का मतलब कमिश्नर को लगता है कि यार पब्लिक इंटरेस्ट में ये चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है उस व्यक्ति को अखबार में जलील किया जाए, उसके बारे में लिखा जाए कि इस व्यक्ति के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है, तो वो कमिश्नर कर सकता है, ठीक है। बट जब तक सामने वाले के पास अपील का राइट है तब तक वो नहीं कर सकता कमिश्नर, या फिर सामने वाले ने अगर अपील कर देती तो जब तक वो डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कमिश्नर ये पब्लिश नहीं कर सकता। अदरवाइज कमिश्नर पब्लिश कर सकता है नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोसीडिंग, अगर ये चाहता है तो, किसी के ऊपर अगर पेनल्टी लगाई है। फिर आता है सेक्शन 161 रेक्टिफिकेशन। तो अगर कोई भी अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास कर देती है, डिसीजन दे देती है, सर्टिफिकेट दे देती है, या कोई नोटिस इशू करती है, शो कॉज नोटिस भी हो सकता है, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अगर इशू करती है कोई भी अथॉरिटी, तो अगर उसे पता लगता है कि उसने जो इशू किया था उसमें कोई मिस्टेक है, मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कोई डिबेट वाला पॉइंट नहीं है, सबको पता है कि मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक है, तो उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर उसे खुद को पता लगता है, या डिपार्टमेंट का ऑफिसर बताता है कि सर आपकी गलती है, या फिर कि जो अफेक्टेड पर्सन है वो जाके बताता है कि सर आपने गलती कर दी, 3 महीने के अंदर उसने बता दिया, तो मैक्सिमम 6 महीने का टाइम होता है उस गलती को रेक्टिफाई करने का। 6 महीने के अंदर अंदर वो रेक्टिफाई की जा सकती है उसी अथॉरिटी के द्वारा जिसने वो ऑर्डर पास किया था, नोटिस इशू किया था। पर ध्यान रखना, अगर वो गलती अर्थमेटिकल एरर है, मान लो टोटल करने में गलती हो गई, या एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन है, मान लो 10 लाख में 1 0 कम लगा दी, तो ये क्या है, गलती किसी ह्यूमन एरर है, तो अगर ऐसा कोई एरर है तो उसके लिए आपके ऊपर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जब आपको गलती मिलेगी तब आप उसे करेक्ट कर सकते हो, उसमें 6 महीने का मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं लगेगा। उसके बाद सेक्शन आता है 169 सर्विस ऑफ नोटिस। अगर किसी टैक्स पेयर को नोटिस देना है, किसी टैक्स पेयर को ऑर्डर डिलीवर करना है, तो कैसे किया जाए, उस टैक्स पेयर तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए बोला जाता है कि या तो आप ऐसा करो उस टैक्स पेयर के हाथ में देके आ जाओ, या तो उस टैक्सेबल पर्सन को हाथ में देके आ जाओ। टैक्सेबल पर्सन नहीं मिल रहा तो उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर उसका एडवोकेट या टैक्स प्रैक्टिशनर होगा, उसको हाथ में देके आ जाओ, इसका मतलब हमने टैक्सेबल पर्सन को नोटिस दे दिया। या फिर उसके रेगुलर एम्प्लॉय को दे दो, या फिर उसकी फैमिली के किसी मेंबर को दे दोगे, तो भी ये मान लिया जाएगा कि टैक्सेबल पर्सन को वो नोटिस दे दिया गया। और अगर मान लो डिलीवर नहीं करना, तो ऐसा करो आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू आप क्या करो, भिजवा दो। आप खुद नहीं जाना चाहते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू नोटिस दिया जा सकता है टैक्सेबल पर्सन को डिपार्टमेंट के द्वारा। अच्छा, अब ये भी नहीं करना तो डिपार्टमेंट ईमेल कर सकता है आपको नोटिस, या कॉमन पोर्टल पे भी अपलोड कर सकता है। अगर डिपार्टमेंट ने कॉमन पोर्टल पे भी अपलोड कर दिया तो ये टैक्सेबल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉमन पोर्टल पे जाके देखे उसको कोई नोटिस इशू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये तो मान लिया जाएगा कि हमने दे दिया नोटिस। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मिलता तो न्यूज़पेपर में छपवा दो,
ठीक है, मान लो माल्या भाग गया, उसका न्यूज़पेपर में छपा दिया मान लो नोटिस, तो वो भी माना जाएगा कि माल्या को हमने नोटिस दे दिया। उसके बाद वो जहां पे धंधा कर रहा था, जहां पे उसकी दुकान थी, गोदाम था, वहां पे जाके भी नोटिस क्या किया जा सकता है, चस्पा किया जा सकता है, चिपकाया जा सकता है, ये माना जाएगा कि हमने नोटिस उस व्यक्ति को दे दिया। उसके बाद एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स की बात आती है। एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होता है, पहली बात तो देखो, पहले क्या लगता था, वैट लगता था, एक्साइज लगता था, अब क्या लग रहा है, जीएसटी। तो टैक्स के रेट्स में भी कमी आई है बहुत सारी चीजों पे। दूसरी बात, हमें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने लग गया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो गई, और कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी कम हो गया, है ना। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्राइसेस थे वो कम हो गए जीएसटी आने की वजह से, तो अगर मान लो कोई 1000 रुपए की चीज थी, अब वो 900 रुपए की रह गई, और फिर भी दुकानदार क्या कर रहा है, 1000 रुपए का ही बेच रहा है। इसका मतलब 100 रुपए का टैक्स कम होने पर भी जो बेनिफिट कंज्यूमर को होने वाला था, जब टैक्स बढ़ता है तो हम कंज्यूमर से वसूल करते हैं, तो टैक्स जब कम होगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट तो होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर दुकानदार टैक्स कम होने पे भी सेम प्राइस वसूल कर रहा है, मतलब उसको बेनिफिट पास ऑन नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने उसको मॉनिटर करने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बनाई थी, जो क्या करती थी, पता लगाती थी कि किस व्यक्ति ने ये पास ऑन नहीं किया बेनिफिट ड्यू टू टैक्स रेट रिडक्शन और आईटीसी के बेनिफिट के कारण। अब इस एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी की जगह पर कौन काम करने लग गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये दोनों ही लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो ऐसे केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल दिया कि आप नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का जो काम है वो भी आप ही देख लेना। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बंद कर दी और सीसीआई को इसका काम दे दिया। अच्छा, अब इसका ड्यूटी क्या है, काम क्या करना है, तो इसको देखना है, डिटरमाइन करना है कि क्या किसी व्यक्ति ने जो बेनिफिट है वो पास ऑन किया है कि नहीं किया, बायर को जो टैक्स वगैरह की वजह से जो बेनिफिट हो रहा था क्या वो पास ऑन किया गया है। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करना ऐसे लोगों को जिन्होंने ये बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, जिन्होंने बेनिफिट पास ऑन नहीं किया, और एक बार पता लग गया कि जिसने पास ऑन नहीं किया तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी, या तो उसे बोला जाएगा कि भैया प्राइस कम करो, जो 1000 रुपए की चीज थी वो 900 में बेचो। दूसरी बात, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट, जितना उसने बायर को बेनिफिट नहीं ट्रांसफर किया, उस बेनिफिट को ट्रांसफर करने के लिए बोला जा सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। तो मतलब बेनिफिट के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है अगर कोई एंटी प्रॉफिटिंग कर रहा है, तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं। और अगर आपसे पूछे कि ड्यूटी क्या है एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की, तो ये सारी ड्यूटीज हैं, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट। क्वार्टरली एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाएगी जो बताता है कि एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने कौन कौन से केसेस देखे हैं। हाँ, अब इसके लिए प्रोसेस क्या होगी, तो सिंपल एक बात याद रखना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग इन्वेस्टिगेशन विंग का एक डायरेक्टर जनरल होता है जो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है और अपनी रिपोर्ट देता है इस नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को, जब जो अब सीसीआई है इसको रिपोर्ट देगा, और ये डिसाइड करेगा कि कितना पेनल्टी लगाना है, गलती किया है कि नहीं किया, उसका डिसीजन सीसीआई का फाइनल होगा। तो ये हमने एडवांस रूलिंग, मिसलेनियस प्रोविजन और लायबिलिटी पे टू पे इन सर्टेन केसेस कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, अगर इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन करके देख लेना, जो भी दिक्कत हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई इसमें दोराई नहीं है। थैंक यू सो मच।